هلا 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 سرايا يعني بيلوشي سانغاني أبلا برتني دي باجزاي سرايا يعني بيلوشي سانغا أبلا برتني دي باجزاي येस आमचे साईड कॅमेरामन आमच्याकडे फोकस करायचा या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅच आपण देत आहोत नीर इलेव्हन संघाचा ओमकार भोपे ज्याने बॅटिंग करत असताना अगदी प्रेशरमध्ये 10 बॉलमध्ये 27 धावेचं योगदान आपल्या संघासाठी दिलं आणि आपल्या संघाला विजय प्राप्त करून दिला असा ओमकार भोपे या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी. ओमकार जास्त वेळ मात्र घेणार नाही आहे, नक्कीच थोडंसं बोलावं लागेल. या स्पर्धेमध्ये खेळत असताना पहिल्या सामन्यामध्ये कसा अनुभव राहिला, ही खेळपट्टी, हे मैदान, ही संपूर्ण स्पर्धा? खूपच छान आयोजन आहे आणि खेळायला खूप मजा आली. फर्स्ट टाइम होतं पण आनंद वाटला. धन्यवाद, बोलायला खूप लाजतोय. तर आपण नक्कीच पुन्हा एकदा चर्चा करणार त्याच्यासोबत. तर वळूयात नेक्स्ट मॅच कडे मध्ये आणि नेक्स्ट मॅचचं धावतं वळण ऐकवण्यासाठी महाराष्ट्र नामवंत समालोचक यासिनजी मर्चंट सर यांना विनंती करतोय की आपल्या मधुर वाणीमधून पुढील सामन्याचं धावतं वळण आपण करायचं आहे. तसेच ज्या खेळाडूला मॅन ऑफ द मॅच टी शर्ट मिळणार आहे, हे टी शर्ट तुम्ही नेक्स्ट मॅच मध्ये घालूनच यायचं आहे, ही नोंद प्रत्येक खेळाडूने घ्यायचं आहे. जो सामनावीर असेल त्या खेळाडूने आपलं टी शर्ट जे मिळणार आहे हे टी शर्ट घालूनच मैदानावरती यायचं आहे. ओव्हर टू यासिन सर, धन्यवाद. येस, मॅचला प्रारंभ होतोय पहिलाच बॉल. पहिला बॉल या ठिकाणी ग्लान्स करण्याचा प्रयत्न केला, छेडू फाईन लेगच्या दिशेनं गेला आणि पहिलाच बॉल वरती येतोय एक जबरदस्त एनएससी ब्रँडेड चौकार. धन्यवाद डीजे. हॅलो हॅलो, आलेल्या सर्व मान्यवरांचे आणि सर्व क्रीडाप्रेमींचे मी नवतरुण मित्रमंडळ खानाव यांच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतोय. एक मोठी स्पर्धा आणि आपल्या सर्वांना हवी हवीशी वाटणारी ही स्पर्धा आणि या स्पर्धेची आजची सुरुवात आणि पहिला सामना आपण पाहिला, दुसरा सामना आपल्या समोर इथे सुरू आहे. ओमसाई सराई विपक्ष राजन स्पोर्ट्स बेलोसी या दोन संघादरम्यान हा सामना रंगलाय. नाणेफेकीचा कौल हा सराई संघाच्या बाजूने लागल्यानंतर सर्वात प्रथम त्यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि राजन स्पोर्ट्स बेलोसी या संघाला इथे फलंदाजी करण्यासाठी आमंत्रित केले आणि यावेळेस पुन्हा एकदा आपण पाहतोय एक मोठा षटका, आणखीन एक गडी इथे बाद होतोय. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद डीजे. आमचे डीजे मास्टर योगेश, हँडसम योगेश, एक मेहंदी असा हा डीजे आणि त्याची क्वालिटी, त्याचप्रमाणे माईकची व्यवस्था, सर्व काही यथायोग्य आपल्याला इथे पाहायला मिळते. मी त्यांचे सुद्धा हार्दिक स्वागत आणि आभार व्यक्त करतोय. त्याचप्रमाणे एक ऑफिशियल अंपायर्स म्हणून तिन्ही अंपायर्सचं मी स्वागत करतोय. त्याचप्रमाणे आमचे दरणे गुरुजी, गुणलेखक फार महत्त्वाचे असतात आणि आमचे सर्व समालोचक, या सर्वांच्या वतीने मी आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतोय आणि आले पुन्हा एकदा या मैदानावरती आपल्याला मी सर्वांना घेऊन जाणार आहे. या सामन्याचं धावतं समालोचन आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा माझा प्रयत्न असेल. धन्यवाद. चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का तहे दिल से मैं इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि हमारे लिए ये सारे क्रिकेट के दीवाने बहुत ज़रूरी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ये है तो ये क्रिकेट की दुनिया है और ये है तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी है और ये है तो हम है, और इसी वजह से इन्हें सर आंखों पर
और इनको सबको सलाम और नमस्कार करते हुए चलिए हम चलते हैं मैदान पर, जहां पे पहले ओवर के लिए आए हैं चंदू शेड़के अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं। पहले दो चौके के बाद एक विकेट तो यहां पे चटकाया है चंदू ने। चंदू को हो जोरदार अपील तो हुआ था मगर शायद बाउंस गया गेंद थी, ये टप्पा खाने के बाद विकेट कीपर के दस्तारों में गई थी और इसी वजह से अंपायर जी के ऊपर उसका कोई असर नहीं, कोई प्रभाव नहीं। अंपायर जी ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया है। मगर मैं चंदू को बहुत दिनों के बाद देख रहा हूं। अब निशान जानते होंगे क्योंकि आप मेरे साथ में थे, हम चिंचोटी के मैदान पर थे और इसी खिलाड़ी ने पूरी तरीके से तहलका मचा दिया था। क्या कहोगे, क्या याद है आपकी? येस, वीस मैदान आणि समोर उस्मान पडे सारखा बॅट्समन होता आणि त्याला त्रिफळा त्याचा उडवला होता हात चंदू शेळके सराईमधील। आज सुद्धा त्याच लेवलची गोलंदाजी या मैदानावरती करतोय। 25 नंबर की जर्सी बाय हाथ से ओवर द विकेट। ओहो, फिर से एक बार ढीले हाथों के साथ खेलना चाहते थे मगर शॉर्ट पॉइंट की दिशा में एक आसान सा कैच फील्डर के हाथों में दे बैठे और ये लगता हुआ दूसरा झटका। थैंक यू डीजे। यासिन सर, आपण मैदानावरती पाहिलं तर राजन स्पोर्ट बेलोशी संघ सुद्धा तितकाच ताकदवान आहे, बलवान आहे। या संघामध्ये जर पाहायला गेलं तर जवळपास 6 ते 7 नंबरपर्यंत चांगली फलंदाजी आहे। कोणताही खेळाडू ॲज अ पिंच हिटर म्हणून त्याची खेळी आपण सातत्यानं मी पाहिलेली आहे, त्याच्यामुळे आता या दोन फलंदाजांवरती जबाबदारी असेल। निखिल वार्गेसारखा बाइंडिंग फॅक्टर मैदानावरती अजूनही नॉन स्ट्राईक एंडवरती उभा आहे। नो डाऊट, क्योंकि बहुत ही अच्छी टीम है और उन्होंने अच्छी टीम यहाँ पे बिल्ड की है, ये हमने अक्सर देखा है। मगर चंदू के सामने उनकी एक नहीं चल रही है। फिर से एक बार एक शानदार लाजवाब छन्नाटेदार ये गेंद थी। गुडलेन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद कंधे की ऊंचाई तक गेंद उठी और बाएं हाथ के गेंदबाज को जो एक एंगल मिलता है वो एंगल भी यहां पे मिलता हुआ दिखाई दिया। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की बल्लेबाज ने और उसमें नाकाम हुए और नतीजा वही होना था। पर देखते हैं पहले दो गेंदों पर जहां पे दो चौकों के साथ यहां पे शुरुआत हुई थी, क्रिकेट कितना अनोखा खेल है इसका फिर से एक बार उत्तम उदाहरण हम सबके सामने आता हुआ। मात्र 8 रन खर्च किए हैं निशांत, सिर्फ 8 रन और चंदू ने फिर से एक बार अपनी क्वालिटी दिखाई है। अविश्वसनीय षटक मैदानावरती त्याने हाताळलंय, कारण पहिल्याच दोन बॉलवरती दोन चौकार आल्यानंतर काही प्रेक्षकांना वाटलं की आता नक्कीच पहिल्या षटकामध्ये 20 ते 25 धावा आपल्याला पाहायला मिळतील, परंतु येणारे 4 चेंडू अगदी जबरदस्त आपल्या गोलंदाजीवरती असलेलं वर्चस्व आणि प्रभुत्व या खानावच्या मैदानावरती त्यांनी प्रस्थापित केलंय। दुसरे ओव्हर के लिए नए गेंदबाज आए हैं राज तुरे। राज तुरे अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। 41 नंबर की जर्सी पहने हुए राज तुरे, हालांकि 5 ओवर का यह मुकाबला है यानी 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद रहेगा। देखिए शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग और एक बैकवर्ड पॉइंट, उसी के साथ मिड ऑफ और एक शॉर्ट मिड विकेट और उसी के साथ एक शॉर्ट स्क्वायर लेग लिया है राज तुरे ने। और सीमा रेखा के नजदीक एक लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन मुझे नजर आता हुआ और इसी के साथ एक डीप कवर हमें नजर आता हुआ। राज तुरे राइट हैंड बॉलर है। ओहो, यावेळेस अगदी डिफेन्सिव्ह पद्धतीने खेळण्याचा प्रयत्न, डायरेक्ट हिट केलं परंतु एक धाव मात्र केली आहे कंप्लीट, एका धावेवरती संतुष्ट झाले। सर, हा गोलंदाज बॉलिंग मात्र राईट हँडने करतो परंतु बॅटिंग मात्र तो लेफ्टी आहे आणि याच मैदानावरती GPL चा खेळ मला अजूनही आठवतोय। या मैदानावरती अक्षरशः षटकारांची आतषबाजी याच खेळाडून केली होती, परंतु आता मात्र बॉलिंगमध्ये ती आतषबाजी करणार का याकडे सर्वांचं लक्ष। और आपने एक अहम बात यहाँ पे बताई है कि ये गेंदबाज तो राइट हैंड से गेंदबाजी करता है मगर बल्लेबाजी बाएं हाथ से करता है, लेफ्ट हैंड से करता है। मगर इसी के उल्टा अगर हम देखा जाए तो जहीर खान जो बाएं हाथ से गेंदबाजी करते थे और राइट हैंड से बल्लेबाजी करते थे, रवि शास्त्री बाएं हाथ से गेंदबाजी करते थे और दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते थे। तो ये क्यों है, ये सवाल मुझे हमेशा करता है, आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिला है कि ये किस तरह से होगा, उन्हें कौन बताता है कि तू ऐसा करे। हालांकि कोई बताता नहीं है, इसी कहते हैं स्वाभाविक, इसे कहते हैं नेचर। येस, आणि खाणाव संघामध्ये सुद्धा आकाश गोंदली बॉलिंग करतो लेफ्टी परंतु बॅटर आहे राईटी आणि अशा प्रकारचे बरेचसे खेळाडू आपल्याला प्रत्येक संघामध्ये पाहायला मिळतात। वयात पुन्हा एकदा स्कोर कार्डकडे, दुसऱ्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ आहे, बॅटिंग करत असताना 9 धावा धफलकावरती आतापर्यंत पूर्ण झाल्यात। राज तुरेने बहुत ही बढिया शुरुआत की है निशांत, पहली 3 गेंदों में देखिए ये मेरे ख्याल से दूसरा रन होगा
पहले ओवर में तो चंदू ने अपनी क्वालिटी और अपनी कलाबाजी दिखाई, कमाल की गेंदबाजी की, मात्र 8 रन खर्च किए। हालांकि 30 गज के दायरे में हम अपेक्षा करते हैं कि बहुत सारे रन आएंगे, बड़े स् ट्रोक हमें देखने को मिलेंगे, मगर पहले 2 चौकों के बाद लगातार अंतिम जो 4 गेंदें थी उसमें उन्होंने मात्र 8 रन खर्च किए और 2 बल्लेबाजों को चलता किया। और उन्हें उन्होंने जो एक राह दिखाई थी, एक मार्ग बताया था, उसी मार्ग पर चलते हुए राज तुरे भी दिखाई दे रहे हैं। पहली 3 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं। आता कुठेतरी विचार करावा लागणार आहे, कारण इथे जर या मॅच मध्ये किंवा या सामन्यावरती आपलं वर्चस्व प्रस्थापित करायचं असेल तर इथून तडाकेबंद तुफानी बेधुंद फलंदाजी करावी लागेल। पुन्हा एकदा राज, ओहो बॅकफुटला गेला, इथे स्लॅश करण्याचा प्रयत्न, बॅटची हलकीशी कडा घेतलीये, कॉट बिहाइंड द विकेट, फलंदाज बाद। थँक यू सो मच। मैदानावरती चाललंय एक हाय होल्टेज मॅच, मैदानावरती चाललंय हाय होल्टेज मॅच आणि त्यामध्ये पकडलंय निखिल वार्गेची कॅच। ओहो अब निशान भी थोड़े से कवी हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि कवी मन बहुत ही अच्छा मन होता है और कवी मन होना भी चाहिए। इसी बीच हम देख सकते हैं राज तुरे, राज तुरे का ये पहला विकेट, पहली सफलता राज तुरे के खाते में। 4 गेंदों में मात्र 2 रन खर्च किए हैं राज तुरे ने। कुल मिला के रनों की संख्या में याद दिलाना चाहूंगा, 10 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। बहुत ही खस्ता हालत, बहुत ही बुरी हालत यहाँ पे राजन स्पोर्ट्स बेलोशी की होती हुई। हालांकि नाम बड़ा है राजन स्पोर्ट्स बेलोशी, ये नाम हम अक्सर सुनते हैं, आईपीएल फॉर्मेट में सुनते हैं, ओपन लॉट्स में सुनते हैं, और एक गाँव जो है वो जज्बाती भी है। मैं इस साल पहली मरतबा गया था और उनका टूर्नामेंट कवर किया था, क्या कमाल का वो टूर्नामेंट और क्या कमाल का मैदान, जबरदस्त त्यांचं आयोजन होतं आणि सर्व ग्रामस्थांचा सपोर्ट होता, हे फार महत्वाचं आहे। कोणत्याही प्रकारचा भेद न करता कोणत्याही प्रकारचा त्या ठिकाणी, पुन्हा एकदा मॅचकडे आपण वळूयात। या ठिकाणी नवीन फलंदाज रणधीर आलाय मैदानावरती, पहिल्याच बॉलवरती ते स्टीअर केलं, 1 धाव कम्प्लीट केली आणि 1 धावेनं संघाची धावसंख्या दफलकावरती जाऊन पोहोचले 11 या आकड्यावरती। 11 रन्स ऑन स्कोरबोर्ड। यासी सर, कशा पद्धतीने या मॅचकडे पाहता, इथून कशा पद्धतीने सुरुवात ही बेलोशी संघाला केली पाहिजे? मैच बदल सकता है, देखिए वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, यही सही है। दुनिया की जिंदगी हो या क्रिकेट का मैदान हो, मैं अक्सर कहता हूं कि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता, 1 ओवर भी काफी हो सकता है। अगर 2-3 बड़े स्ट्रोक आए तो यहां पे ये जो मनोवैज्ञानिक दबाव आ चुका है बल्लेबाजों के ऊपर, वो गेंदबाजों के ऊपर ट्रांसफर हो सकता है। चांगला फटका, चेंडू मात्र लॉन्ग ऑफ च्या दिशेने, ते 1 बाउन्स क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये, पहिली धाव केली कम्प्लीट, 1 धावेवरती संतुष्ट झालेत। क्रिकेटमध्ये मी सातत्यानं म्हणत असतो की तुम्ही फक्त बॅटिंगमुळे मॅच जिंकू शकत नाही, तुम्ही फक्त बॉलिंगमुळे मॅच जिंकू शकत नाही, तर त्यामध्ये तुमची फिल्डिंग कशा पद्धतीने आहे, डीपवरून तुमचा थ्रो कशा पद्धतीने आहे, या सर्व गोष्टींचा, या सर्व बाबींचा परिपाक असणं फार गरजेचं आहे। आणि आता मात्र एक दर्जेदार क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी ओम साई सराई या संघाकडून आपल्याला पाहायला मिळते। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, निशान पहले ओवर में 8 रन और दूसरे ओवर में 4 रन, कुल मिला के 12 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। और 30 गज का दायरा यहां से हटेगा, देखिए 30 गज के दायरे में यहां पे बड़े स्ट्रोक हमें देखने को नहीं मिले क्योंकि मनोवैज्ञानिक दबाव आया था, क्योंकि पहले 3 विकेट ऊपरी क्रम के वो चले जाने के बाद अब मध्य क्रम के बल्लेबाजों को पूरी तरीके से ये सारी जिम्मेदारी अपने कंधों के ऊपर ओढ़नी होगी। एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए कम से कम 50 का आंकड़ा छूना होगा। मी तुमच्या मताशी सहमत आहे, परंतु समोर आता पुन्हा एकदा कडवा आव्हान आलाय, आपल्या स्पेलमधील शेवटली ओव्हर हाताळण्यासाठी आलाय चंदू शेळके आणि त्याला प्रतिउत्तर देण्यासाठी स्ट्राईक एंडवरती फलंदाज प्रसन्न आहे। तोपर्यंत सर्व काही शक्य आहे, त्याला साथ देण्यासाठी एक एक्सपिरियन्स अनुभवी खेळाडू नॉन स्ट्राईक एंडवरती आहे, नाव आहे रणधीर। ॲज अ ओपनर म्हणून कित्येक वेळेला त्याने बेलोशी संघामधून फलंदाजी केली, आता मात्र तो मिडल ऑर्डरला आलाय और गेंदबाज है चंदू शेळके। चंदू नाम बहुत ही पॉपुलर हो चुका है स्पेशली क्रिकेट के मैदानों पर। चंदू बोर्डे आपने नाम सुना होगा और चंदू शेटे का नाम सुना होगा, और ये हमारे अलीबाग के बहुत ही शानदार गेंदबाज चंदू शेळके। आणि त्याच लेव्हलचा खेळ सुद्धा आहे, ॲज अ ऐकॉन म्हणून कित्येक संघामध्ये खेळलाय, याच मैदानावरती 5 बॉलमध्ये 5 विकेट्स घेण्याचा विक्रम सुद्धा चंदू शेळकेच्या नावावरती आहे। मला अजून सुद्धा ती मॅच आठवते, त्याच्यामुळे आज त्याच प्रकारची गोलंदाजी बहरताना दिसत आहे। आखू टप्प्याचा बॉल थोडा शफल झाला, चेंडूला पाठवून दे लॉंग लेगच्या दिशेनं, चेंडू मात्र 1 बाउन्स, नो ईस्ट नो वेस्ट आलाय चौकार बेस्ट, कम ऑन डीजे।
थँक्यू डीजे. यसिन सर, मी म्हणालो होते की जोपर्यंत प्रसन्न आहे तोपर्यंत सर्व काही शक्य, आणि त्यांनी त्याचे इरादे स्पष्ट केले. चौकार आलं या बॅट बॉलवरती आणि संघाची धावसंख्या दाखवल का वरती 16 या आकड्यावरती 16 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. और ये आओ देखा ना था, प्रसन्ना ने खेला है हवा में. ओहो हो, दो खिलाड़ियों में टकराव हुआ मगर गेंद बिल्कुल नहीं रुकेगी. गेंद डाउन द ग्राउंड, बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह सीधा ये सिक्सर. धन्यवाद डीजे. लगातार दो गेंदों पर दो बड़े स्ट्रोक हमें देखने को मिले हैं. प्रसन्ना ने उनके नाम के तहत प्रसन्न किया है, खुश किया है अपने चाहने वालों को और अपने गांव वालों को, क्योंकि ये बेहद जरूरी था. एक चौका एक छक्का लगने के बाद जिस मनोवैज्ञानिक दबाव की मैं बात कर रहा था जो बल्लेबाजों के ऊपर आया था, अब यहाँ पे ट्रांसफर होने में देर नहीं लगती, और इसीलिए मैंने कहा था कि वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता. आणि ते काम मात्र प्रसन्न ने करून दाखवले. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळायचा होता, परफेक्ट कनेक्शन नाही, काय फिल्डिंग झाली शॉर्ट स्क्वेअर देखला, जबरदस्त फिल्डिंग. असं वाटत की दोन खेळाडूंच्या मधून चेंडू पुढे ट्रॅव्हल होतोय की काय, परंतु त्यावेळेला खूप चांगली क्षेत्ररक्षण केलं. आपले 100% एफर्ट्स, आपलं डेडिकेशन, आपलं समर्पण त्यांनी मैदानावरती दिलंय आणि आपल्या संघासाठी धावा त्यांनी सेव्ह केल्या. निशान सही मायनों में बहुत बड़ी फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग, कमाल की फील्डिंग. इसके पहले भी विकेट के पीछे, हालांकि मैं अक्सर कहता हूँ कि विकेट कीपर को हमने बहुत मतलब इग्नोर किया है. ओहो, इस मरतबा उड़ाया है, गेंद बिल्कुल नहीं रुकेगी. गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, ये लगा सिक्सर. थँक यू सो मच. रणधीरने मनामध्ये एक मानस ठेवलाय की ही मी मॅच जिंकणार फिक्स, ही मॅच जिंकणार फिक्स, म्हणून मारला एक मनमोहक बहारदार सिक्स. रणधीर के नाम में धीर है, उन्होंने बहुत देर तक यहाँ पे खामोश रहते हुए धीर यहाँ पे रखा और जैसे ही मौका मिला उस मौके को फायदा उठाते हुए छक्के में तब्दील किया. और प्रसन्न ने तो पहले ही खुश किया है, यानी दोनों भी खिलाड़ी अपने नाम के तहत यहाँ पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. 3 ओवर की समाप्ति, रनों की संख्या हो चुकी है 29 रन. 3 ओव्हरचा वाजवी खेळ मैदानावरती समाप्त झाला. 29 धावा धावफलकावरती आलेल्या आहेत. आता याच टेम्परमेंटने त्यांची मात्र गाडी सुरू ठेवावी लागणार आहे, आता टॉप गिअरमध्ये चालवावी लागणार आहे. 2 ओव्हर्स मात्र शेवटचा शिल्लक आहेत. या 12 बॉल्समध्ये तुम्हाला ॲज अ पिंच हिटर म्हणून मात्र फलंदाजी करावी लागेल. 14 नंबर की जर्सी नंबर, जी हाँ, इसमें तब नए गेंदबाज पहली गेंद, हालांकि ये स्क्वायर कट करने की कोशिश कर रहे थे मगर गेंद ने बल्ले का बाहर सिरा लिया. गेंद ट्रैवल कर रही है स्वीपर कवर की दिशा में, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग. फिर से एक बार निशान, सही मायनों में गेंदबाजी करने वाली टीम का मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूंगा या उन्हें बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने अपने आप में बहुत इंप्रूवमेंट की है. क्या कमाल की फील्डिंग, शॉर्ट स्क्वायर लेके जगह पे उसी के साथ विकेट के पीछे कैच देखा, और यहाँ पे भी देखिए एक खूबसूरत फील्डिंग का नजारा हमें देखने को मिला. इसके पहले डीप कवर में एक शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन, यानी जब आप अच्छी फील्डिंग करते हो ना तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. नक्की सहमत आहे, फील्डिंग फार महत्त्वाची आहे. आणि तीच फील्डिंग करत असताना ओम साई सराई संघ पुन्हा एकदा गोलंदाज साहिल सज्ज होतोय. साहिल तोरे नेक्स्ट बॉल, मोठा फटका मारायचा आहे पण तो कनेक्शन परफेक्ट नाही आहे. छोटू मात्र डीप स्पेलिंगच्या दिशेनं डीप मधून क्षेत्ररक्षक धावत आलाय. दुसरीचा प्रयत्न, दुसरी धाव घेत असताना दोनही खेळाडूंमध्ये इथे ताळमेळ नाहीये, कम्युनिकेशन नाहीये, आय कॉन्टॅक्ट नाहीये, आणि अशा वेळेला रनआउट स्वरूपात फलंदाज रनआउट. बॅक टू दी पॅव्हिलियन. यसिन सर, येणाऱ्या या 3 दिवसामध्ये हँडसम डीजे योगेश हे आपलं मनोरंजन करणार आहेत. मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला कोळीगीतं ऐकायला मिळतील, भक्तिगीतं ऐकायला मिळतील, डीजे सॉन्ग ऐकायला मिळतील, साईबाबांच्या कव्वाली ऐकायला मिळतील, आणि खऱ्या अर्थानं सर्वांचं मन अगदी या ठिकाणी खूप चांगल्या पद्धतीने मनोरंजन करणार आहे. सबसे अच्छी बात ये है कि उनका टायमिंग हमें देखने मिलेगा, क्योंकि डीजे मास्टर का टाइमिंग क्या होता है, कौन से टाइम पर कौन सा गाना बजाना चाहिए और कब बजाना चाहिए, कब खत्म करना चाहिए, कब स्टॉप करना चाहिए, हर चीज़ का नॉलेज रखते हैं.
बहुत छोटे थे, हालांकि इस टूर्नामेंट की जरूर बताऊंगा। मगर इसी बीच मिड विकेट की दिशा में एक आसान सा कैच और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। थँक यू। या स्पर्धेसाठी ऑफिशियल अंपायर आलेले आहेत प्रीतम पाटील कळवापेन, तसेच प्रशांत बांदिवडेकर पेण आणि पुरुषोत्तम भगत थेरोंडा अलिबाग, हे तीन अंपायर्स या स्पर्धेसाठी तीन दिवस मात्र असणार आहेत। या अंपायर्सला आपण मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये पाहिलंय, अलिबागमध्ये नाईटच्या स्पर्धा असतील, रायगड जिल्ह्यातील मोठमोठ्या डेच्या स्पर्धा किंवा नाईटच्या स्पर्धा असतील, अशा मोठमोठ्या स्पर्धा ज्यांनी कव्हर केल्या असे तीन नामवंत पंच या स्पर्धेसाठी आलेले आहेत। तसेच ही जी लाईट आपण पाहतोय, नक्कीच आवर्जून नाव घेईन, मराठी उद्योजक आहे अनुप मंगेश पाटील मान फ्रॉम कुरुळ, यांची लाईट ओमकार लाईट्स आपण या मैदानावरती पाहू शकताय, त्याचा देखील हार्दिक आभार व्यक्त करतोय। आणि ओळ्यात पुन्हा एकदा मॅचकडे नवीन फलंदाज स्ट्राईक एंड वरती आलाय, नाव आहे प्रणीत वारगे। प्रणीत वारगे वरती संपूर्ण जबाबदारी असते। नेक्स्ट बॉल पुन्हा एकदा साहिल सज्ज होतोय। ओहो, या ठिकाणी स्लॉटमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न केला, तितका चांगल्या पद्धतीने खेळून काढला, एकच धाव पूर्ण केले, पण तो इथून तुम्हाला आता मोठे फटके मारण्या पडण्याकडे कोणताही ऑप्शन नाही आहे यासिन सर, कारण इथून जर चांगली सुरुवात केली, इथून जर एखादा मधी चौकार षटकार आला तर एक सन्मानजनक स्कोर नक्कीच उभा राहू शकेल। देखिए, अक्सर मैंने कहा कि ये जो खेल है वो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, राजनीति में भी हमने गिरगिट की तरह रंग दे बदलने वाले बहुत सारे लोग देखे, क्योंकि पहली ओवर में 8 रन, दूसरे ओवर में 4 रन और तीसरे ओवर में आए थे 17 रन और चौथे ओवर में फिर से एक बार साहिल तुरे ने कमबैक कर दिया है अपने टीम को और यहां पे रनों को सुखा दिया है। रनों का आकाल पड़ा है क्योंकि इस ओवर में अब तक मात्र 4 रन खर्च किए हैं साहिल तुरे ने। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। तीसरे ओवर में 17 रन आने के बाद ऐसा लग रहा था कि आसानी के साथ 50 का आंकड़ा यहां पे देखने को मिलेगा। जी हां, इसमें दबा बाउंसर करने की कोशिश, अपने कंधे का कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल किया, उसका फायदा हुआ, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, गेंद ने बल्ले का टॉप एज लिया और गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में एक आसान सा कैच यहां पर नजर आया और एक बल्लेबाज जाएंगे मैदान से बाहर। थँक यू। आणि यासिन सर, आज या स्पर्धेच्या निमित्तानं मला अजून एक गोष्ट नमूद करावीशी वाटते। गेली 7 पर्व अगदी सक्सेसफुली या ठिकाणी पार पाडली खानावकरांनी आणि हे 8वं पर्व, आणि या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं आपणचं खूप चांगल्या पद्धतीने नेतृत्व आहे, त्यामध्ये मार्गदर्शन जितेंद्रदादा किंवा निलेश गोंदेंचं आहे, परंतु ग्रामस्थांचं सहकार्य हे नेहमीच या स्पर्धेला लाभलं, मग महिला वर्गसुद्धा असेल, आणि त्याचमुळे ही स्पर्धा अगदी परिपक्व होत आहे आणि ही स्पर्धा पूर्णत्वाला जात आहे। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि ये लगातार 7 पर्व की आपने याद दिलाई है। यहाँ पे मुझे याद है आज भी कि 33,333 रुपये फर्स्ट प्राइज था और उस वक्त मेरे ख्याल से योगेश की और मेरी भी पहली मुलाकात हुई थी और पहली मरतबा योगेश यहाँ पे डीजे बजा रहे थे और जैकेट वगैरह एक प्रॉपर डीजे की तरह उन्होंने ड्रेस कोड किया था और उस वक्त से लेके आज तक यहाँ पे जो हरियाली नज़र आ रही है, उस हरियाली के लिए, इस मैदान के लिए बहुत मेहनत की है। यहाँ पे देखिए, अंतिम क्षणों पर अपने आप को झोंक दिया था, सामने की तरफ गोता लगाकर उस गेंद के नीचे आने की कोशिश कर रहे थे मगर नाकाम रहे। कोई बात नहीं, देखिए आपने जो कोशिश की है उसके लिए तो आपको 10 में से 10 मार्क चले जाएंगे। ये रिप्लाई वरती अपन पाहू शकता, एडी स्क्रीन वरती टेनिस क्रिकेट .in च्या माध्यमातून रिप्लाय दाखवला जातोय। येस, जबरदस्त लाइव टेलिकास्ट, म्हणूनच टेनिस क्रिकेट .in हे चॅनल संपूर्ण भारतामध्ये फेमस आहे। नंदनजी घरत आणि त्यांची संपूर्ण टीम चांगला खेळ करण्याचा प्रयत्न केला, या बॉलवरती अगदी हलक्यातून खेळलेला हा चेंडू, एक सिंगल धाव पूर्ण झाली आहे, शेवटली ओव्हर आहे, स्लॉग ओव्हर आहे, आणि अशा वेळेला योगेश शेळके हा सर ॲज अ पिंच हिटर म्हणून ज्याची ओळख आहे ओमसाई सराईमध्ये मोठे मोठे फटके मारण्यासाठी तो माहिर होता, पण तो रिसेंटली 1 ते 2 वर्षामध्ये तो बॉलिंगसुद्धा करायला लागलाय। प्रणीत वारगे और पार्थ भोबी, इन दोनों को अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, मगर इस मर्दबा ने निराश किया है, नाराज किया है, क्योंकि सीधा खेल दिया है लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर के हाथों में और एक बल्लेबाज आउट, OUT आउट।
और निशांत यहाँ पे एचपी कंपनी में और उसी के साथ गेल कंपनी में भी जो भी वर्कर्स जो हमारे महाराष्ट्र के बाहर से आए हैं उनका भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहूँगा, स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बड़े तादाद में वहाँ से अपना देश छोड़कर प्रदेश में आए हैं, अपने बीवी बच्चों को माँ बाप को छोड़ के आए हैं और उनके लिए भी एक खूबसूरत ये सुनहरा तोहफा है क्रिकेट का। यस, कहीं लोग बिहार से है, कहीं यूपी से है, वेस्ट बंगाल, पंजाब, झारखंड, कहीं कहीं राज्यों से कहीं लोग आए हैं। मगर अंतिम ओवर में कितने रन बनेंगे इसके ऊपर सभी की निगाह है। इस मरतबा फिर से एक बार चकमा दिया है, बाय के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा। इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा होगा, मगर ये रन काफी नहीं होंगे। यहाँ पे अभी भी आपको कम से कम दो गेंदे बाकी है, दो गेंदों में अगर बड़े स्ट्रोक आते हैं तो 50 के आसपास पहुंचने का सुनहरा मौका है। देखिए, दो छक्के अगर लगाते हैं तो मैच में ट्विस्ट आ सकता है आणि ते काम मात्र फलंदाजाला करून दाखवावं लागणार आहे। आयपीएल मध्ये बरेचसे रेकॉर्ड आपण पाहिले, इथे एखादा रेकॉर्ड होणार का? पुन्हा एकदा योगेश, इथे मात्र खोलवर टप्प्याचा बॉल परंतु वाईड लाईनच्या बाहेर, पंच पुरुषोत्तम भगत यांचा वाईड बॉलचा इशाराला एक अवांतर धाव मात्र मिळणार आहे आणि एका धावाच्या सहाय्याने संघाची धावसंख्या दफलकावरती 38 रन्स ऑन अ स्कोरबोर्ड, 38 धावा दफलकावरती शेवटले काही चेंडू शिल्लक आणि या बॉलवरती बेलुशी संघ अपेक्षा करत असेल एखादा षटकार येऊ दे, एखादा चौकार येऊ दे। जी हाँ, जरूर आना चाहिए, मगर गेंदबाज बहुत ही चाणाक, चतुर और चंचल, बहुत ही होशियारी के साथ यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए इस बीच नाकाम कोशिश है रन लेने की, क्योंकि रन आउट तो होंगे ही मगर स्ट्राइक अपने हाथों में रखना चाहते हैं। एक रन यहाँ पे मिलेगा। जी हाँ, अंपायर जी कुछ इशारा कर रहे हैं। जी हाँ, स्ट्राइकिंग इन के बल्लेबाज को उन्होंने आउट करार दिया है और इस गेंद के ऊपर मात्र एक रन यहाँ पे बढ़ेगा। रनों की संख्या हो चुकी है 39 रन, 39 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अंतिम एक गेंद शेष, पांच ओवर का मुकाबला। देखिए निशान, पांच ओवर का मुकाबला जब होता है तो कम से कम आपके दिमाग में 50 का आंकड़ा तो होता है और यहाँ पे मुझे 10-12 रन कम दिखाई दे रहे हैं। अब आने वाली जो इनिंग होगी उसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यहाँ पे गेंदबाजी करनी होगी और उसी के साथ उतनी ही जबरदस्त फील्डिंग में भी उन्हें कमाल करना होगा। आणि राजस्पोर्ट बेलुशी संघाकडे चांगले खेळाडू आहेत, चांगले बॉलर आहेत, चांगला कॉन्फिडन्स आहे, त्याच्यामुळे ही मॅच इंटरेस्टिंग मोडमध्ये पाहायला मिळेल। हा बॉल मात्र लेग स्टंपच्या बाहेर, पंचांचा वाईड बॉलचा इशारा, एक धाव अतिरिक्त मिळणार आहे। बॅटिंग करण्यासाठी प्रणय सोपेकरला आपण पाहतोय, एक क्रिकेटचा दिवाना, कारण या पंचक्रोशीमध्ये आयकॉन खेळाडू आणण्यामध्ये नक्कीच त्याचं नाव आवर्जून घ्यावं लागेल असा स्ट्राईक एंडवरती प्रणय सोपेकर आपण त्याला बॅटिंग करत असताना पाहतोय। जी, प्रणय सोपेकर ने ही वहां पे बेलोशी गाव में एक टूर्नामेंट रखा था अपने दम पर, अकेला वन मैन शो उन्होंने वो टूर्नामेंट वहां पे आयोजित किया था और वही यहां पे अब खेलने के लिए तैयार होते हुए और उनके टीम ने वो फाइनल भी जीता था। ऐसे प्रणय सोपेकर हम स्ट्राइक एंड पर देख रहे हैं। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है कवर की दिशा में, वहां पे डीप कवर में फील्डर था तैनात है। एक रन तो मुकम्मल किया है, दूसरे रन के लिए भी दौड़े, दूसरा रन भी मुकम्मल, तीसरे रन के लिए कोई मौका नहीं है और इसी के साथ और एक बल्लेबाज तो आउट होंगे।
कोडाच्या गावामध्ये जाणार. तुम्ही स्क्रीनवरती पाहू शकता, एक आहे मल्हार आणि दुसरा आहे मार्तंड. आणि जो जिंकणारा संघ असेल ग्रामीण संघामध्ये किंवा ग्रामीण ग्रुपमध्ये, त्या विजेत्या संघ मालकास तो बैल देण्यात येणार आहे. आय पी एल फॉर्मॅटमध्ये सुद्धा तसंच आहे, जिंकणाऱ्या संघ मालकास जो फायनलमध्ये त्या संघ मालकास तो बैल देण्यात येणार आहे. तर हे मल्हार आणि मार्तंड हे कोणाच्या नावी होणार किंवा कोण जिंकणार याकडे लक्ष. दोन्ही आपण बैल पाहू शकता, अगदी जबरदस्त आहेत, जलद गती त्यांच्याकडे आहे, खूप चांगल्या पद्धतीने त्यांना ट्रेनिंग दिलेली आहे. आणि आता सर्वांना चाहूल लागले की हे कोणाकडे जाणार. निशांत, मग आपण असं म्हणूया की गोंधळींचा हा बैल जोडा कोणाच्या गावी करून होणार करणार राडा, असं काहीतरी म्हणावं लागेल आपल्याला. बाय द वे, जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत, 5 ओवर का ये मुकाबला. आप मैच देख रहे हैं यूट्यूब के जरिए से. जो भी क्रिकेट के दीवाने हमारे माय बाप प्रेक्षक इस मैच को देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं फिर से एक बार यहाँ पे बताना चाहूंगा, क्योंकि अब अभी अभी कुछ लोग जुड़े हैं. ओम साई सराई और राजन स्पोर्ट्स बेलोशी, इन दोनों टीमों के बीच ये कड़ा संघर्ष जारी है. ओम साई सराई ने पहले तो टॉस जीता और उनके कैप्टन ने यहाँ पे फील्डिंग करने का निर्णय लिया, फैसला किया, और राजन स्पोर्ट्स बेलोशी को बल्लेबाजी के लिए दावत दी, आमंत्रण दिया, और उसके बाद उन्होंने मात्र 42 रन पर उन्हें रोका. एक आसान रनों की संख्या तो नजर आ रही है, मगर फिर से एक बार मैं अधोरेखित करना चाहूंगा, अंडरलाइन करना चाहूंगा कि क्रिकेट में कोई भी चीज आसान नहीं होती, ना ही कोई चीज मुश्किल होती है. आणि दोन्ही संघ तितकेच बलवान आहे, दोन्ही संघांकडे चांगला एक्सपिरियन्स आहे, त्याच्यामुळे ही मॅच इंटरेस्टिंग मोड मध्ये होणारच आहे. प्रेक्षकांना मात्र या मना सामन्याचा आनंद मनमुरतपणे लुटण्यासाठी खऱ्या अर्थानं आता हे दोन्ही संघ इथे सज्ज झालेले आहेत. कोणता संघ कोणावरती हवे होणार, कोणता संघ पुढील फेरीसाठी पात्र होणार, हे मात्र आपल्याला 5 ओव्हर नंतर कळणार आहे. परंतु या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलं तर टेनिस क्रिकेट .in माध्यमातून यासीनचा तब्बल 5 कॅमेरे मात्र लावलेले आहेत. त्याच्यामध्ये ड्रोन कॅमेरा सुद्धा तुम्हाला पाहायला मिळणार आहे. त्याच्या माध्यमातून तुम्हाला खऱ्या अर्थानं पाहायला गेलं तर विविध अँगल्स मात्र क्रिएट केले जातील. आणि मल्हार आणि मार्तंड आता मात्र जे बैल आहेत हे आमचे कॅमेरामन त्यांच्याकडे फोकस करतील. आता मैदानातून ते दुसऱ्या ठिकाणी जात आहेत. आमच्या खानावळ गावातील काही जे स्वयंसेवक आहेत, खेळाडू आहेत, ते मात्र बैलांना घेऊन आता ते मात्र नक्कीच दाखवत आहेत. दोनही बैल आपण पाहिले तर अगदी देखणे बैल आहेत. एक मल्हार आहे, एक मार्तंड आहे. आता त्यापैकी कोणता मल्हार आणि कोणता मार्तंड हे आपण नंतर ठरवणार आहोत. आमचे त्या बैलांचे मेन अध्यक्ष वैभव टोपले आहेत, आणि या वैभवच्या हातामध्ये आहे तो मल्हार आहे, आणि पाठीमागे जो बैल आहे तो मार्तंड आहे. देखिए निशांत, मुझे यहाँ पे ये भी बताना चाहिए कि गोंधली, जितेंद्र गोंधली हो या अनंतराव गोंधली सर हो, उनकी जो एक देखने का नजरिया या सोचने का जो नजरिया है ना, उसे भी सलाम करना होगा, क्योंकि उनके टीम ने इस साल पहली मर्तबा एक गोधन यानी एक बैल जीता था. एक बैल वहाँ पे उन्होंने काशीद में जीता था, और वो वहाँ पे टीम के ओनर थे, और टीम के ओनर को वहाँ पे भी एक बहुत ही खूबसूरत बैल था, और उन्होंने जीतने के बाद वही आइडिया, मगर अगर हम जीतते हैं तो दूसरे को भी जीतने का मौका देना चाहिए, और एक नहीं तो दो यहाँ पे बैल है, तो उनके लिए भी यहाँ पे अप्रिशिएट करने वाली बात है. नक्कीच टाळा झालंच पाहिजे मित्रांनो, एकदा जोरदार टाळा गजर करायचा आहे या स्पर्धेचे शिल्पकार आपांच्या माध्यमातून. या स्पर्धेला एक वेगळी संकल्पना, आणि यासीन सर तुमच्या सुद्धा माहितीसाठी किंवा तुम्हाला माहितीच आहे की अलिबागमध्ये आपण प्रथमच ग्रामीणमध्ये एक फायनल देतोय, आणि एक फायनल मात्र आय पी एल फॉर्मॅटमध्ये देतोय. और इसी के साथ साथ दो बाइक्स भी होंगे, 4-4 सायकल्स भी होंगे, यानी बहुत सारे इनामों की यहाँ पे बारिश है, और ऊपर से 1,50,000 रुपये की धनराशि होगी, 80,000 की धनराशि होगी फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, उसी के साथ फिर से एक बार जो आईपीएल फॉर्मेट होगा उनके लिए भी 1,50,000 और 80,000 रुपए उनको भी जीतने का सुनहरा मौका, यानी दो दो यहां पे प्राइजेस, और तकरीबन एक टूर्नामेंट में ही दो टूर्नामेंट, यानी एक के ऊपर एक फ्री, बाय वन गेट वन फ्री अशा पद्धतीने आपण म्हणू शकतो. तर पंचांचा इशारा येतो, मॅचला मात्र प्रारंभ होतोय. पहिलाच बॉल लेट्स प्ले, आणि पहिलीच ओव्हर घेऊन आला आहे पीएस स्पोर्ट्स प्रणय सोपेकर. राईट अमोर द विकेट, मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मैदानावरती सुरू. पहिलाच बॉल बॅकफुटला गेला, स्लाइस केला आणि चेंडूला पाठवला स्वीपर कव्हरला. चेंडू ओव्हर दरोप येतोय, एनएससी ब्रँडेड चौकार.
पॉइंट वरती सागर काटकर आहे. सागर काटकरचा आपण इतिहास पाहिला तर त्याच्याकडे लेदर क्रिकेटचा अनुभव आहे, टेनिस क्रिकेटचा अनुभव आहे, आणि त्याचा स्ट्रॉंग झोन पाहिला तर खऱ्या अर्थानं बॅकवर्ड पॉईंट, डीप पॉईंट असेल किंवा कव्हर असेल, एक्स्ट्रा कव्हर असेल, हा त्याचा एक स्ट्रॉंग झोन आहे आणि त्यामध्ये पहिला चौकार त्यांनी मारलाय. सागर काटकर के लिए इस मरतबा फुल टॉस गेंद, बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे कवर ड्राइव हमें देखने को मिला. गोली की रफ्तार से दन दन आती हुई गेंद, डीप कवर, सीमा रेखा के बाहर, 4 रन. थँक्यू सो मच. सुरुवात अगदी दणक्यात केलेली आहे, पहिल्याच दोन बॉलवरती दोन चौकार वसूल केली आहेत. पुन्हा एकदा पियस, ओहो काय फटका सजवलाय, कवरच्या डोक्यावरून एक मनमोहक नेत्रदीपक विलोभनीय फटका, येतोय षटकार. आणि क्लासिकल फटकेबाजी, कारण फटकेबाजी आपण वॅगन व्हील पाहिला तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला पॉईंटला एक चौकार आला, त्यानंतर एक कव्हर आला, एक एक्स्ट्रा कव्हरला आला, त्यानंतर एक डीप मिड विकेट, म्हणजे 360 डिग्रीमध्ये अगदी एक टेक्निकल, क्लासिकल आणि सेन्सिबल फटकेबाजी या ठिकाणी ओमसाई सराईच्या फलंदाजाकडून पाहायला मिळते. देखिए एक बात, मैच का जो भी होगा वो आपके सामने होगा, मगर एक बात मुझे यहाँ पे गौर करनी होगी और आपके सामने शेयर भी करनी होगी कि युवा जो जीते हैं वो अपने भविष्य की चिंता में जीते हैं, और जो बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, वो अपने भूतकाल को याद करते हुए जीते हैं, मगर जो बच्चे होते हैं ना वो सही मायनों में वर्तमान में जीते हैं. और हमारे ये जो बच्चे हैं वो देखिए किस तरह से यहाँ पे खुशियों को इजहार कर रहे हैं और शानदार यहाँ पे बेझिझक बेधड़क यहाँ पे डांस कर रहे हैं. जैसे ही गाना यहाँ पे लगता है उनके खुशी का ठिकाना नहीं है और वो सही मायनों में जी रहे हैं. हम क्या खाक जी रहे हैं. और इसी बीच और एक शानदार सिक्सर.
जरूरी है, लेसन है हमेशा याद रखना। फिर से एक बार यहां पे धुआंधार बल्लेबाजी का नजराना पेश किया है इन बल्लेबाजों ने, और एक चौका। बघा यासीन सर, मैदानावरती लहान मुलं या सामन्याचा आनंद घेत आहेत, डीजेच्या सांगवरती नाचत आहेत, कारण त्यांना कुठल्याही नोकरीचा प्रश्न नसतो, त्यांना संसाराचं टेन्शन नसतं, त्यांना काम धंद्याचं टेन्शन नसतं, त्याच्यामुळे आता फक्त फ्री आहे आणि हे बचपण आहे आणि असाच त्यांनी आनंद घेतला पाहिजे, कारण जीवन कोणी बघितले 7 जन्म, जन्म तर मी म्हणतो एकच आहे आणि एका जन्मामध्ये जेवढं आपल्याला आनंदानं जगता येईल ना तेवढं जगलं पाहिजे। खुशी से जीना भी चाहिए और दुसरों को भी खुशी से जीना देना चाहिए। जी हाँ, इस पर दबा फिर से एक बार ओवर, पीस गेंद थी, उसे लॉफ किया था, चिप किया था मैं कहूंगा ढीले हाथों के साथ, क्योंकि जानबूझकर खेला हुआ ये स्ट्रोक था। बल्लेबाज जानते हैं कि अगर मैं जोर से खेलूंगा तो शायद ये गेंद वहां के फील्डर तक पहुंच सकती है, मगर फील्डर तक ना पहुंचे इसलिए उन्होंने जो जोर लगाया था, वो जो ताकत लगाई थी वो सीमित लगाई थी, और इसी वजह से एक रन उन्होंने मुकम्मल कर लिया। वो चाहते हैं कि बस अब एक एक रन भी आता है तो कोई बात नहीं, ये मैच हमारे पाले में है, हमारे तरफ झुका हुआ है, और अब यहां पे किसी भी तरह की गलती नहीं करेंगे। और ये देखिए फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक है, गैप में खेला है गेंद, डी पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार आता हुआ ये चौका। गोलंदाज आता पूर्णपणे कन्फ्यूज झालेले आहेत, चेंडू टाकायचा तर कुठे टाकायचा, लेन कशी ठेवायची, लाईन कशी ठेवायची, या विवंचनेमध्ये सापडलेले आहेत। प्रत्येक बॉलवरती ते हल्ला बोल केला जातोय, पुन्हा एकदा गोलंदाज होतोय सज्ज। अखू टप्प्याचा बॉल इथे टॅप फटका मारण्याचा प्रयत्न केला आणि या बॉलवरती एक धाव मात्र पूर्ण केली, एका धावेच्या साह्याने संघाची धावसंख्या फलकावरती 37 रन्स ऑन अ स्कोरबोर्ड। आता जिंकण्यासाठी 19 बॉल मध्ये 6 धावींची गरज आहे, 19 बॉल 6 धावींची गरज। चारों तरफ देखिए आप, धीरे धीरे प्रेक्षक भी खाना वगैरह खा के आराम से काम से लौट कर और इस स्टेडियम पर आ रहे हैं, और पहले तो इस साइड ये साइड पूरी खाली थी, मगर अब देखिए धीरे धीरे वो भी भर रही है। आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं सही मायनों में तहे दिल से इस्तकबाल करूंगा, और ये लीजिए आपके इस्तकबाल के लिए, आपके स्वागत के लिए, और एक सिक्सर। चिक, थँक यू डीजे, थँक्यू, थँक्यू सो मच। दोन्ही संघाचे कॅप्टन पहिल्या सामन्यामध्ये जो जिंकलेला संघ आहे नीर 11 ताजपूर आणि ओम साई सराय, या दोन्ही संघाचे कॅप्टन आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। आणि निशांत, या सामन्यामध्ये 3 षटकार आणि 3 चौ